हे हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आई एम परफेक्टली फाइन टू. तो आज का जो व्लॉग है वो ये होने वाला है कि खान जी अक्सा, खान जी व्लॉग, अक्सा की शादी, इनके झूठ, इनके नए से नए कंटेंट, इनके मसालेदार और बैठकर बनाए हुए प्रॉपरली कंटेंट, नॉट अ डेली व्लॉग. डेली व्लॉग वो होते हैं जो आप बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, गोपाल सोनिया बनाते हैं. मतलब सुबह उठे, कुछ नहीं सोचा, बस कैमरा उठाया, जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बनाया है, क्या खाया है, क्या पिया है, कौन आया है, कौन गया है, कहाँ जा रहे हैं, दीज ऑल आर डेली व्लॉगिंग. ठीक है, डेली व्लॉगिंग जो हम अपनी डेली लाइफ में दिखाते हैं टू आर व्यूअर्स के देखो कि हम क्या कर रहे हैं. ये हमारी डेली लाइफ है, ये हमारे डेली व्लॉग्स हैं, ये हमारे डेली व्लॉगिंग चैनल है. तो हम उस पर व्लॉगिंग कर रहे हैं सुबह से शाम तक, जो भी हम कर रहे हैं हम दिखा रहे हैं. मेरी शर्ट थोड़ी गीली है फेस वॉश की वजह से, फेस वॉश करने की वजह से, तो प्लीज़ इग्नोर इट, गंदी नहीं है. क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद गंदी है, बट नहीं, गीली है. तो द थिंग इज़ कि वो सब डेली व्लॉग हैं. जैसे मैं उठी, मैंने क्या खाया, मैंने नाश्ते में क्या किया, मेरे घर पे क्या हो रहा है, मैं बाहर जाऊंगी या नहीं जाऊंगी तो वो भी दिखाई दूंगी, शॉपिंग पे गई तो वो दिखा दूंगी. ये डेली व्लॉग हैं, ये डेली लाइफ है हमारी. बट हर एक दो दिन बाद हॉस्पिटल चले जाना, ताकत की ड्रिप लगवा लेना, कभी खुद जाना, कभी अक्सा को ले जाना, कभी जो है अक्सा को घर से भगा देना, मतलब अक्सा का घर से भाग जाना, कभी अक्सा का बहुत ज़्यादा बदतमीजी करना, कभी इनका जो है एक कंटेंट के लिए शादी करवा देना अक्सा की, जस्ट फॉर व्यूअर्स, जस्ट फॉर सब्सक्राइबर्स, के सब्सक्राइबर गेन हो, व्यूअर्स गेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको व्यूज़ दें. और ये सब इसलिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत कर रहे हैं ये लोग यूट्यूब पे ये वीडियो, मैं ये कह रही हूँ कि हर वीडियो में झूठ दिखाकर, हर वीडियो में झूठी प्लानिंग करके, हर वीडियो में झूठ को सामने ले आकर ये गलत कर रहे हैं. वीडियोस बनाकर ये गलत नहीं कर रहे, बट झूठ को प्रमोट करके ये गलत कर रहे हैं. क्योंकि देखो भाई, अब कभी तुम्हारी अक्सा जो है वो घर से भाग जाती है, तुम उसको ढूंढती हो हॉस्पिटल्स में, यहाँ वहाँ. वी ऑल नो के आपको जो है कंटेंट बनाने का बहुत शौक है शुरू से. सिर्फ वो कंटेंट जो आप प्लानिंग के साथ बनाती हैं, जिसमें आधा सच नहीं होता बल्कि 10% सच होता है, बाकी सब झूठ होता है. मैं किसी से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, बट आप भी एक व्लॉगर हैं और मैं भी एक न्यू व्लॉगर हूँ. तो जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ आपकी व्लॉगिंग से, जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जो मैं आपकी वीडियो में प्रॉपरली देख पा रही हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रही हूँ. बट आपको हर बार झूठ का मसालेदार चटपटे कंटेंट ला लेकर आने का यूट्यूब पर, मतलब क्या क्या मिलता है, आई डोंट नो. बट आप हमेशा उस लड़की को जो अक्सा है उसको सामने लाकर जो है झूठ बोल, किसी ना किसी बात पे झूठ बोलती हैं. कभी बोलती हैं वो घर से भाग गई, कभी बोलती हैं उसकी शादी हो गई. तो बात करते हैं कि उसकी शादी हो गई, तो ये बात है कि जब आपने पिक्चर दिखाई पहली उसके मंगेतर की, तो उसमें वो बंदा अलग था, उसका बॉडी शेप, उसका बॉडी हेल्थ, उसका बॉडी सब कुछ अलग था. मतलब स्लिम था, थोड़ा हेल्दी था, इस टाइप से. जब सेकेंड पिक्चर आपने उसमें दिखाई तब भी वो चेंज था, उसका कलर, उसका हैंड्स और नेक से पता चलता है, क्योंकि आप गर्दन और हाथ तो उसके दिखाती हैं. फिर आपने जब उसकी रुखसती की वीडियो बनाई तो उसमें उस बंदे का हाथों का कलर एकदम अलग था. फिर जब अब वो जाने लगा, हेल्थ भी उसकी अलग थी. और जब अभी वो जाने लगा, कहीं भी जाने लगा, एयरपोर्ट वाली जो वीडियो थी उसमें वो बंदा अलग था. वो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, आई एम स्पीकिंग आउट माई हार्ट. जो मुझे लगा वो ये था कि इस सब के पीछे जो है, ये सिर्फ कंटेंट है, ये कंटेंट है. मुझे नहीं लगता कि अक्सा की असल में शादी हुई है. तो ये सब कंटेंट के लिए किया गया है, सिर्फ व्यूज के लिए, व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में जो है शहजाद भाई जो है, मतलब जिनका चैनल है शहजाद सुमेरा के नाम से, वो भी हैं इस बड़े से इमोजी के पीछे.
मैं ये नहीं कह रही कि शादी हुई है, मैं ये कह रही हूँ जस्ट फॉर कंटेंट, जस्ट फॉर योर वीडियो, दिखाने के लिए कि हाँ कोई है, कोई मर्द है, कोई आदमी है। तो शादी तो नहीं हुई थी, तो इसलिए किसी ना किसी को तो लेकर आना था ना ऑन स्क्रीन, जिसकी आप शक्ल नहीं दिखाती हैं, तो वो कोई भी हो सकता है, क्या पता वो शहजाद भाई हो उस कैमरे के पीछे। मुझे ऐसा लगता है उनके उससे, स्किन कलर से, उनके थोड़े वॉकिंग स्टाइल से, उनके खड़े होने के स्टाइल से मुझे ऐसा लगा है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ, जो मुझे लगा है मैं वो बात करूँ। मैं किसी से लड़ाई नहीं करी, मैं किसी से झगड़ा नहीं करी, मैं वो बात सामने लाकर रख रही हूँ जो मुझे लगा, क्योंकि मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, आप भी एक ब्लॉगर हैं। कल को आपको कुछ भी बुरा लगेगा किसी का तो आपको बोलेगी। मुझे आज जो अच्छा नहीं लगा, मुझे आज जो लगा कि अच्छा तो ये ऐसा है, मैं वो बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस बड़े से थंबनेल के इमोजी के पीछे शहजाद भाई है, जिसको पूरा नहीं दिखाया जाता है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, इवन कि उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई जाती है। ठीक है, वो बंदा यूट्यूब पे नहीं आना चाहता है, वो बंदा अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता है, ओके परफेक्टली फाइन, नहीं आए, शक्ल नहीं दिखाए, कम से कम बात तो कर सकते हैं, बोल तो सकता है ना, वो आवाज़ तो सुना सकता है। आवाज़ कौन पहचान, क्या वो इतना बड़ा बंदा है कि उसकी आवाज़ भी किसी ने सुन ली तो उसके लिए कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या पूरी दुनिया उसको इतना जानती है? मेरे को नहीं लगता उसको कोई इतना जानता है। तो ये वही बंदा हो सकता है जिसको सच में सब जानते हैं, उसकी आवाज़ सब पहचानते हैं, इसलिए उसको चुप रहना ज़रूरी है, उसका चुप रहना जो है वो ज़रूरी है, बस उसको दिखाना है। और अभी उसको इस चीज़ को इतना लंबा नहीं खींचना था, इस ड्रामा को इतना लंबा नहीं खींचना था, तो इसलिए जो है आप लोगों ने 2 दिन पहले उसको रवाना कर दिया। एयरपोर्ट से तो वो चला गया, आगे आप लोग नहीं गए, उसकी बोर्डिंग वगैरह ये सब तो नहीं देखने को मिली, बट वो एस्केलेटर से आप लोग ऊपर गए, उसके बाद आप लोग अपने घर और शहजाद भाई अपने घर, क्योंकि ये ड्रामा और ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता था, उसको अपने घर पे भी मुंह देना था। बट जो मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस एंड जो भी मुझे देख रहे हैं, मैंने वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखा है अपना। बाकी मुझे नहीं पता कि ये क्यों इस तरह करते हैं, बट ये सिर्फ एक कंटेंट है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, ये सब सिर्फ कंटेंट सब्सक्राइबर्स के लिए किया जाता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो इनके घर का लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो अक्सा की बदतमीज़ी हो खान जी के साथ, चाहे वो अक्सा के घर से भागना हो, चाहे वो अक्सा की शादी हो, ये सिर्फ यूट्यूब के लिए है, कंटेंट के लिए है, और सिर्फ झूठ 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 अपने व्लॉग्स में दिखा रही हैं। ये कुछ भी नेचुरल नहीं दिखा रही हैं, कुछ भी प्रॉपरली नेचुरल नहीं दिखा रही हैं कि मैं उठी हूँ, मेरा नाश्ता बन रहा है, मैंने नाश्ता किया, मेरे घर में ये हो रहा है, सफाई हो रही है, चलो रात हो गई अब हम सोने लगे हैं, ओके बाय, ऐसा नहीं हो रहा है। प्रॉपरली एक मतलब बैठ के सोचा जाता है कि अच्छा अब अक्सा तो घर पे, अक्सा पहले मैं बीमार हो गई, फिर अक्सा चली गई, फिर मैंने रोना धोना शुरू किया, फिर अक्सा को ढूंढ ढूंढ के वापस लाए, जो कि घर में ही छुपी हुई थी या किसी के पास रह रही थी, उसके बाद अक्सा की शादी करवा दी जाती है, सिर्फ इसीलिए कि शायद लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं अक्सा को और कान जी को लेके, तो शायद उन लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए इन्होंने ये कंटेंट बनाया हो कि चलो शादी करवा देते हैं अक्सा की, शायद लोगों का मुँह बंद हो जाए, शायद लोगों की गलत बातें बंद हो जाए। बट लोग इतने भी मतलब पागल नहीं होते हैं कि उन्हें समझ ना आए, उन्हें पता ना चले कि यार जो बंदी शुरू से कंटेंट के लिए सब कुछ कर रही है, तो ऑब्वियसली वो अभी भी कर रही होगी, क्योंकि आप यूट्यूब पे झूठ इतना प्रमोट कर रही हैं अपने हर कंटेंट में, कि अब हर किसी को यही लगता है कि शायद ये चीज़ भी झूठ होगी। अब आगे भी कोई कंटेंट, आगे अगर किसी बात का सच भी लेकर आएंगे ना, तो लोगों को शायद लगता होगा कि यार ये अभी भी झूठ ही बोल रही है। तो बात ये है कि आप झूठ को प्रमोट ना करें, झूठे व्लॉग्स ना बनाएं, झूठी झूठी चीज़ें, झूठे झूठे कंटेंट्स ना लेकर आएं। मेक योर व्लॉग्स इंटरेस्टिंग, इस तरह झूठे कंटेंट से नहीं। आपको अगर लगता है कि यस यू हैव दैट थिंग इन यू के हाँ आप अपने व्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं, तो प्लीज़ डू इट। बट झूठ बोल बोल कर बार बार नहीं कीजिए ये सब, क्योंकि
आप कल को अगर कोई सच बोलेंगी भी ना तो लोगों को लगेगा ये झूठ बोल रही है। अगर ये अक्सा की शादी सच्ची भी है ना तो बट दुनिया मतलब देखने वाले सिर्फ यही बोल रहे हैं कि ये झूठ है, ये कंटेंट के लिए है, ये ऐसे है, ये वैसे है। और ये मुझे भी लगता है, ये बाकी के 10-20 लोगों को भी लगता है जो मेरे साथ कॉन्टेक्ट में है, और ये हर किसी को लगता है, हर कोई यही बात कर रहा होता है कि ये कंटेंट के लिए है, कंटेंट के लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो अक्षा की झूठी शादी आप लोगों को, और मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया। तो आई होप आप लोगों को ये जो व्लॉग है जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा कोई पॉइंट सही नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी बात से इत्तफाक है तो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आई लव यू ऑल, बाय बाय।